वेलकम एवरी वन, माई सेल्फ मुकेश व्यास। इन दिस वीडियो वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स। प्रीवियस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर थर्ड के यूनिट थर्ड में से लिया गया है। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी ऋणात्मक वोल्टता पुनर्निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी हम आउटपुट से वोल्टेज ले रहे हैं और इनपुट में दे रहे हैं, तो वोल्टेज के रूप में हम आउटपुट का कुछ फ्रैक्शन ले रहे हैं और इनपुट में हम दे रहे हैं, तो आउटपुट रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक आरेख है। इसमें इनपुट सिग्नल Vs दिया है और एम्पलीफायर के जो इनपुट टर्मिनल्स पर है वहाँ पर भी जो इनपुट होगा Vi वो भी Vs के बराबर होगा। ये Vi एम्पलीफाई होके हमें आउटपुट में AVi के रूप में प्राप्त होगा और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस R0 है। अब हम आर नोट का मान ज्ञात करना चाहते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो इनपुट सिग्नल हमें जीरो करना पड़ेगा और ये जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ लगा हुआ है उसकी जगह हम बाहर से आउटपुट वोल्टेज लगाएंगे किसी बैटरी के माध्यम से, और इसके कारण अगर करंट आई नॉट फ्लो होता है तो आर नोट हो जाएगा वी नॉट अपॉन आई नॉट, तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये विदाउट फीडबैक था। अब हम फीडबैक के साथ आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ से हम एक फीडबैक नेटवर्क यहाँ जोड़ दिया, तो वोल्टेज का कुछ फ्रैक्शन हम लेंगे और आउट इनपुट में हम इसको दे देंगे। लेकिन हमने यहाँ देखा था कि आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनपुट सिग्नल को जीरो करते हैं, तो यहाँ पर भी इनपुट सिग्नल जीरो करेंगे। ये जो VF है वो हम फीडबैक वोल्टेज दे रहे हैं, VI तो जीरो लिया हुआ है, ये फीडबैक वोल्टेज है। तो जब फीडबैक करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज VO डैश हो जाता है, करंट IO डैश हो जाता है, और बीटा VO डैश का जो कुछ अंश है, बीटा VO डैश जो है वो एम्पलीफाई होके हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ये अपोजिट फेस में यहाँ प्राप्त होता है। इनपुट में ऊपर माइनस लगा रखा है, नीचे प्लस लगा रखा है, अपोजिट फेस में प्राप्त होता है, तो एम्पलीफाई होके हमें यहाँ माइनस ए बीटा वी जीरो डैश प्राप्त होगा। जैसे वी आई एम्पलीफाई होके ए वी आई प्राप्त होता है, वैसे ही बीटा वी जीरो डैश जो कि नेगेटिव है वो माइनस ए बीटा वी जीरो डैश प्राप्त होगा। अब मान लेते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस इसका आर नॉट की बजाय आर नॉट डैश हो जाता है। तो फिगर शोज द नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक वोल्टेज हो जाएगा वी ए फिजिकल टू बीटा वी जीरो डैश। इनपुट वोल्टेज अपीयर एट इनपुट टर्मिनल्स ड्यू टू फीडबैक, यानी फीडबैक के कारण पुनर्निवेश के कारण निवेशी टर्मिनल पर जो निवेशी वोल्टता प्रकट हो रही है वी आई, डेट विल बी इक्वल टू माइनस वी ए इजिकल टू माइनस बीटा वी जीरो डैश। दिस वोल्टेज इज एम्पलीफाइड बाई द एम्पलीफायर, यह जो वोल्टेज है यह प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित होगा, एंड द वोल्टेज माइनस ए बीटा वी जीरो डैश इज ऑब्टेन्ड इन द आउटपुट सर्किट। यह हम देख सकते हैं फ्रॉम आउटपुट सर्किट वी जीरो डैश इज इक्वल टू वी जीरो डैश का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, ये प्लस आई जीरो डैश, इसमें जो करंट फ्लो होगा जिसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस वोल्टेज के और इस वोल्टेज के सम के बराबर होगा। आई जीरो डैश आर ओ माइनस ए बीटा वी जीरो डैश। अब इस टर्म को इधर ले आएंगे, वी जीरो डैश कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस ए बीटा आ जाएगा, ये वैसा का वैसा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक क्या हो जाएगा, वी जीरो डैश अपॉन आई जीरो डैश, तो ये हो जाएगा आर ओ अपॉन वन प्लस ए बीटा। बिना फीडबैक के आर ओ था, फीडबैक सहित आर ओ डैश हो जाएगा। अब वन प्लस ए बीटा का मान एक से ज़्यादा होता है नेगेटिव फीडबैक के लिए, इसलिए आर ओ डैश का मान आर ओ से कम होगा। तो हम अगर वोल्टेज का कुछ फ्रैक्शन अगर फीडबैक कराएंगे तो आउटपुट रेजिस्टेंस का मान कम होता है। नेक्स्ट,
इफेक्ट ऑफ नेगेटिव करंट फीडबैक ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस। अब हम करंट लेंगे आउटपुट से और उसका फीडबैक करवाएंगे। ये सेम जो अभी हमने बताया था, यह एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है ओरिजिनल, बिना फीडबैक के। इनपुट वोल्टेज वी आई है जो वी एस के बराबर होगा और एम्पलीफाई होकर हमें ए वी आई प्राप्त होगा। जब हम आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इनपुट वोल्टेज जीरो ले लेंगे, ये का ये फीडबैक एम्पलीफायर में करेंगे। लेकिन हम यहाँ करंट फीडबैक करा रहे हैं और इनपुट में दे रहे हैं, तो वो एम्पलीफाई होकर यहाँ प्राप्त होगा। तो फीडबैक करंट हो जाएगा आई एफ इजिकल टू बीटा आई नॉट डैश, यानी आई नॉट डैश का कुछ फ्रैक्शन हम फीडबैक करा रहे हैं। दिस करंट इज एम्पलीफाइड बाई द एम्पलीफायर, ये जो करंट एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई होगा, तो हमें यहाँ आउटपुट में इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा माइनस ए बीटा आई जीरो डैश, एंड द करंट माइनस ए बीटा आई जीरो डैश इज ऑब्टेन इन द आउटपुट सर्किट फ्रॉम आउटपुट सर्किट। अब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देंगे, ये जो आई जीरो डैश करंट है उसका कुछ भाग इसमें है, रिमेनिंग पार्ट इसमें है, तो टोटल करंट इसमें करंट और इसमें करंट दोनों के सम के बराबर होगा। ये जो वी ओ डैश है वो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इसमें जो करंट होगा वो वी ओ डैश अपॉन आर ओ, और ये करंट माइनस ए बीटा आई जीरो डैश, तो आई जीरो डैश का मान ये बराबर हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे, आई जीरो डैश कॉमन ले लेंगे, ये वैसा का वैसा, तो आउटपुट रेजिस्टेंस आर जीरो डैश हो जाएगा वी जीरो डैश अपॉन आई जीरो डैश, तो आर ओ वन प्लस ए बीटा के बराबर हो जाएगा। अब वन प्लस ए बीटा का मान एक से ज़्यादा होता है, तो आर जीरो डैश का मान आर जीरो से ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जब करंट का फीडबैक कराते हैं, धारा का पुनर्निवेश कराते हैं, तो आउटपुट रेजिस्टेंस बढ़ता है। और पिछले वाले केस में हमने देखा था कि जब वोल्टेज का फीडबैक कराते हैं तो रेजिस्टेंस का मान कम होता है। नाउ इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट रेजिस्टेंस विथ सीरीज इनपुट। अब हम आउटपुट से चाहे वोल्टेज का कुछ फ्रैक्शन लेके आए, चाहे करंट का कुछ फ्रैक्शन लाएं, लेकिन इनपुट में हम इसको किस तरह से दे रहे हैं, सीरीज में दे रहे हैं, श्रेणी क्रम में, या शंट में दे रहे हैं, समांतर क्रम में। तो पहले हम देखेंगे सीरीज में देंगे इनपुट के अंदर, तो इनपुट रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। ये जो ब्लॉक डायग्राम है ओरिजिनल है, इसमें फीडबैक नहीं हो रहा, विदाउट फीडबैक है। तो जो वी एस हम यहाँ इनपुट सिग्नल दे रहे थे, एम्पलीफायर के टर्मिनल्स के अक्रॉस भी यही वोल्टेज होता है वी आई, तो वी एस इजिकल टू वी आई होगा, और करंट हो जाएगा आई आई। इनपुट रेजिस्टेंस हमने आर आई ले लिया और आउटपुट वोल्टेज मान लो वी नॉट प्राप्त होता है, तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आई और इसमें फ्लो होने वाला करंट आई आई, तो आर आई इजिकल टू हो जाएगा वी आई अपॉन आई आई, और वी आई वी एस के बराबर है, तो वी एस अपॉन आई आई भी लिख सकते हैं। अब हम फीडबैक कराते हैं, यहाँ से चाहे वोल्टेज का कुछ फ्रैक्शन लो, चाहे करंट का कुछ फ्रैक्शन लो, लेकिन हम सीरीज इनपुट श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो वी एस के साथ वी एफ सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट फेज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो फीडबैक वोल्टेज तो हो जाएगा वी एफ बीटा वी नॉट डैश, यानी फीडबैक के कारण मान लो आउटपुट वोल्टेज वी ओ से क्या हो जाता है, वी ओ डैश हो जाता है, तो फीडबैक वोल्टेज हो जाएगा वी एफ बीटा वी जीरो डैश। तो जो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा वी आई डैश, इन दोनों का सम होगा, लेकिन ये वी एफ वी एस के अपोजिट फेज में होता है, विपरीत कला में होता है नेगेटिव फीडबैक के कारण, तो वी आई डैश हो जाएगा वी एस माइनस वी एफ, तो वी आई डैश इजिकल टू वी एस माइनस बीटा वी जीरो डैश, तो आउटपुट वोल्टेज वी जीरो डैश, उसको एम्पलीफाई कर देंगे वी आई डैश को, ए वी आई डैश, वी आई डैश का मान रख दो, तो इसको सॉल्व करो तो वी एस इजिकल टू ये आ जाएगा। इफ आई आई डैश इज द इनपुट करंट ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक, ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण इनपुट करंट अगर आई आई डैश हो जाता है, तो रिजल्टेंट इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, परिणामी निवेशी प्रतिरोध आर आई डैश इजिकल टू वी एस अपॉन आई आई डैश। अगर हम वी आई डैश अपॉन आई आई डैश लेते हैं तो आर आई होता, और वी आई अपॉन आई आई से भी आर आई होता, क्योंकि वोल्टेज चेंज होने से करंट चेंज हो गया, तो वी आई में जितना चेंज हुआ उसकी उसी प्रोपोर्शन में आई आई में चेंज होगा, तो इन दोनों का रेशियो
या इन दोनों का रेशियो तो RI के बराबर होगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज VAC रखें और करंट में चेंज II डैश लें और इन दोनों का रेशियो लें, तो वो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो होगा RI डैश, यानी विथ फीडबैक जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा, पुनर्निवेश सहित निवेशी प्रतिरोध, RI डैश VS अपॉन II डैश। तो यहाँ VS अपॉन II डैश करें तो ये हो जाएगा VI डैश अपॉन II डैश 1+A बीटा। तो VI डैश अपॉन II डैश वही RI जैसे अभी मैंने कहा 1+A बीटा, जहाँ RI इज इक्वल टू ये है, तो RI डैश इज ग्रेटर देन RI। चूंकि 1+A बीटा का मान वन से ज़्यादा है, इसलिए RI डैश का मान RI से ज़्यादा होगा। यदि हम सीरीज में अगर यहाँ देते हैं आउटपुट से जो हमने फीडबैक वोल्टेज लिया है उसको सीरीज में यहाँ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में देते हैं, तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। नाउ इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट रेजिस्टेंस विथ शंट इनपुट। हम दूसरा केस लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस के लिए। इनपुट में हम जो फीडबैक ले रहे हैं उसको पार्श्व पथ समांतर क्रम में देते हैं। पहले वाले केस में सीरीज में दिया था, अब समांतर क्रम में दे रहे हैं। चाहे वोल्टेज का फीडबैक कराएं कुछ अंश, चाहे करंट का फीडबैक कराएं, तो ये सर्किट तो वही है बिना फीडबैक के, विदाउट फीडबैक। तो RI इज इक्वल टू वही होगा जो पहले था। जब हम फीडबैक कराते हैं तो अब हम करंट के रूप में लेंगे। तो मान लो यहाँ करंट सोर्स II है, लेकिन फीडबैक के कारण जो नया करंट हो जाता है वो II डैश हो जाता है, और जो फीडबैक करंट है वो IF है। अब II इस डायरेक्शन में, लेकिन IF अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो करंट उस II के अपोजिट फेज में होगा, विपरीत कला में होगा नेगेटिव फीडबैक के कारण। तो II डैश हो जाएगा II-IF। तो फीडबैक वोल्टेज हो जाएगा VF इजिकल टू बीटा V0 डैश, जहाँ V0 डैश आउटपुट वोल्टेज है, फीडबैक के कारण V0 की बजाय V0 डैश हो जाता है, उसका अंश हम फीडबैक करा रहे हैं VF अपॉन VF इजिकल टू बीटा V0 डैश, और आउटपुट वोल्टेज V0 डैश होगा AVI डैश। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज VI डैश है, वो एम्पलीफाई होके हमें आउटपुट में प्राप्त होगा, तो V0 डैश इजिकल टू AVI डैश। फीडबैक वोल्टेज VF इजिकल टू VI डैश, ये V0 डैश का मान यहाँ रख दें ऊपर, तो ए बीटा VI डैश। ये तो वोल्टेज हो गए, अब हम करंट की बात करते हैं, क्योंकि ये करंट की इक्वेशन है, तो तीनों करंट चाहिए हमें। फीडबैक करंट IF ये होगा VF अपॉन RI, क्योंकि इस RI के अक्रॉस ये जो VF है वो RI के अक्रॉस वोल्टेज है, और उसके कारण करंट क्या फ्लो रहा हो रहा है IF। तो RI VF और IF में क्या संबंध होगा, IF इजिकल टू VF अपॉन RI, VF का मान रख दिया। इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक RI इजिकल टू, अब VI डैश की बात करें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है VI डैश और उसके करंट है II डैश, तो RI इजिकल टू VI डैश अपॉन II डैश, तो II डैश ये हो जाएगा। इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, तो RI डैश लें तो ये होगा VI डैश अपॉन जो ओरिजिनल करंट हम दे रहे हैं II, जैसे पहले पिछले वाले केस में वोल्टेज के लिए लिया था, VS लिया था हमने, तो VI डैश अपॉन II, तो II इजिकल टू ये। तीनों के मान इस इक्वेशन में रख देंगे और इसको VI डैश थ्रू आउट कैंसिल कर देंगे, तो RI डैश का मान आ जाएगा RI अपॉन 1+A बीटा। ए बीटा 1+A बीटा का मान 1 से ज़्यादा होता है नेगेटिव फीडबैक के लिए, तो RI डैश का मान RI से कम होगा। तो शंट इनपुट के लिए इनपुट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन सीरीज इनपुट में इनपुट रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। अब ये जो हमने अलग अलग केस लिए थे पिछले वीडियो में भी बताए थे, उसको समराइज करें हम कि इफ नेगेटिव इफेक्ट फीडबैक का क्या इफेक्ट पड़ता है एम्पलीफायर की अलग अलग प्रॉपर्टीज पर। तो एम्पलीफायर की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, गेन, गेन स्टेबिलिटी, हार्मोनिक डिस्टोर्शन, नॉइज, बैंडविड्थ, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज फीडबैक करवाएं, करंट फीडबैक कराएं, वोल्टेज फीडबैक कराएं लेकिन सीरीज में इनपुट दें, शंट में इनपुट दें, करंट फीडबैक करवाएं सीरीज में इनपुट दें, शंट में इनपुट दें। तो गेन हम देखते हैं कि हर स्थिति में गेन का मान कम होता है नेगेटिव फीडबैक के कारण, लो 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 कम।
गेन स्टेबिलिटी, लब्धि स्थायित्व उत्तम हो जाता है, एक्सीलेंट हो जाता है हर केस में। हार्मोनिक डिस्टोर्शन लो, सभी में कम होता है। नॉइज शोर वो भी सभी में कम होता है। बैंडविड्थ सभी में बढ़ती है, उच्च हो जाती है। इनपुट रेजिस्टेंस, अभी हमने देखा था इनपुट रेजिस्टेंस। वोल्टेज फीडबैक की बात करें तो सीरीज के लिए तो हाई और शंट के लिए लो। करंट फीडबैक में सीरीज के लिए हाई और शंट में लो। और आउटपुट रेजिस्टेंस में वोल्टेज का फीडबैक कराएंगे तो लो लो दोनों ही केस में, इनपुट में चाहे किसी रूप में दें, और करंट फीडबैक कराएंगे तो दोनों ही स्थिति में हाई होगा। थैंक यू।